हर हर महादेव फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं आज आप 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। उसके पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 5 अप्रैल है, दिन बुधवार का है, चैत्र महीना है और चंद्रमा कन्या राशि में भ्रमण कर रहे हैं। नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है, 11:23 तक सुबह, उसके बाद हस्त नक्षत्र है। राहु का समय है 12:41 से 2:14 तक का दोपहर में। राहु काल में हमें ना कोई यात्रा करनी चाहिए ना ही कोई शुभ काम। चतुर्दशी तिथि है जो सुबह 9:19 तक है, उसके पश्चात पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगी। इसका अर्थ है जो भी भक्त पूर्णिमा का व्रत करते हैं, आज पूर्णिमा का व्रत करेंगे। आज जो हनुमान जी के भक्त हैं, जो हनुमान जी के प्राकट्य दिवस पे व्रत रखते हैं, उसका व्रत भी आज ही करेंगे। आज रवि योग बना हुआ है, सुबह 6:30 से 11:30 तक रवि योग है और सर्वाध सिद्धि योग भी बना हुआ जो 11:23 से स्टार्ट होकर कल सुबह 6:29 तक रहेगा। ये था आज का पंचांग। चलिए अब चर्चा करते हैं आज की ग्रह गोचर की। आज शुक्र राहु और बुध मेष राशि में है, मंगल मिथुन में है, चंद्रमा कन्या राशि में है, केतु तुला राशि में है, शनिदेव स्वयं की राशि कुंभ राशि में, गुरु और शुक्र मीन राशि में है। ये था ग्रह गोचर। अब इसी पर आधारित आप 12 राशि वालों के राशिफल की चर्चा भी हम करते हैं। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए थोड़ा सा चिंताजनक दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ आज आपको आपका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। आपको सर्दी जुकाम के होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। यात्राएं भी थोड़ी सी कष्टदायक हो सकती है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने खान पान पर पूरा ध्यान रखें। साथ ही आज आपके यात्राओं के भी योग बने हैं, यात्राओं से आपको लाभ हो रहा है, धन लाभ के सुंदर योग भी बने हुए हैं, दिन मिला जुला है। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बहुत सुंदर बना हुआ है। अब तक जो चिंताएं चली आ रही थी उससे आपकी मुक्ति हो गई है। साथ ही आपको आपकी संतान की तरफ से खुशखबरी मिल रही है। आज आपको भाग्य का साथ मिल रहा है, धन आगमन कहीं न कहीं से हो रहा है। आज आप यात्राओं पे भी जा सकते हैं, मन पूजा पाठ में लग रहा है। आज आपकी रोमांटिक लाइफ की बात करें तो आज आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा मधुरता बनी रहेगी। आज आपका रिश्ता और स्ट्रांग हो रहा है। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बहुत सुंदर बना हुआ है। आज आपके माता के स्वास्थ्य में जो पहले से प्रॉब्लम चली आई थी वो ठीक हो रही है, स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। आज धन लाभ के योग बने हुए हैं। साथ ही यदि आप किसी आर्ट से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो वहां आपके प्रगति के बहुत सुंदर योग बने हुए हैं। शेयर मार्केट से आपको धन लाभ के योग बने हुए हैं, भाग्य का साथ आपको मिल रहा है। आज आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो रही है। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बहुत सुंदर बना हुआ है। आपको आज मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त हो रही है, छोटे भाई बहनों का सहयोग पूरी तरह से मिल रहा है, भाग्य का साथ मिल रहा है। आप यदि कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे उसके लिए बहुत शुभ समय आ गया है। आपको इस समय हर जगह से प्रशंसा प्राप्त हो रही है, साथ ही आपके रुके हुए काम भी पूरे हो रहे हैं। केवल आपको ध्यान रखना है कि आपके पैरों में दर्द हो सकता है तो उस पर आप ध्यान देंगे। आज आपको यात्राओं पर जाना पड़ेगा, यात्राएं थोड़ी सी कष्टदायक दिखाई देंगी तो ध्यान रखें। बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, पिछले कुछ दिनों से चली हुई आ रही प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको मिल रहा है। आज आप बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं। आज आपको आपके परिवार का सहयोग भी मिल रहा है, भाग्य का साथ भी मिल रहा है। साथ ही आज आप कहीं घूमने फिरने जाने का प्लान भी बना रहे हैं। बस याद रहे कि संध्या समय के बाद पार्टनर के साथ किसी प्रकार का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हो। बड़े भाई बहनों का भी सहयोग मिल रहा है। संतान का स्वास्थ्य उत्तम बना हुआ है, दिन अच्छा है, दिन का पूरी तरह से लाभ उठाएं। अब बात करते हैं आप कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बहुत सुंदर बना हुआ है। आज स्वास्थ्य में चली हुई समस्याओं से आपको समाधान मिल रहा है। आज आपकी पर्सनालिटी बहुत सुंदर लग रही है, लोग आपकी बातें सुनना पसंद कर रहे हैं, लोग आपसे अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। यदि आप मकान खरीदना चाहते थे, वाहन खरीदना चाहते थे, उसके सुंदर योग बने हुए हैं। शेयर मार्केट से आज आपको लाभ होगा, आज आपको बिजनेस से भी अपने लाभ हो रहा है। अब बात करते हैं आप तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए साधारण है। एक तरफ आपको छोटी छोटी बातों की चिंता हो रही है, साथ ही आपको यात्रा करने के भी योग बन रहे हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए कहीं चोट चपेट नहीं लगे, यात्रा में संभल करके रहेंगे। साथ ही आज स्वास्थ्य का
सहयोग भी आपको उतना ज्यादा नहीं मिल रहा है, अपने पेट का ध्यान रखेंगे। आज आपके लाइफ पार्टनर का आपको पूरा सहयोग मिल रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। यदि आप बिजनेस करते हैं तो वहां आपको आज नए नए प्रपोजल्स मिल रहे हैं, ऑफिस में भी आपकी वाहवाही हो रही है। अब बात करते हैं आप वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुंदर बना हुआ है, आपके लिए धन के नए स्रोत बन रहे हैं, धनागमन कहीं न कहीं से हो रहा है, रुका हुआ पैसा भी आपको मिल रहा है, संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार मिल रहे हैं, आज आपको भाग्य का पूरा साथ मिल रहा है। केवल आपको चोट चपेट से ध्यान रखनी है, ड्राइविंग करते समय ध्यान रखेंगे। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बहुत सुंदर बना हुआ है, आपको धन लाभ के योग बने हुए, माता के स्वास्थ्य में आपके इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आज परिवार का सहयोग भी आपको मिल रहा है, जीवन साथी के साथ नोकझोंक की थोड़ी सी संभावना बनी हुई है, उस पर ध्यान रखें। आज प्रेमी जोड़ों के लिए दिन बहुत सुंदर है, भाग्य आपका थोड़ा सा स्लो है। बात करते हैं आप मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए काफी सुंदर बना हुआ है, आज आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, साथ ही आज आपको यात्राओं के योग बने हुए हैं, आपका मन पूजा पाठ धर्म कर्म में भी लग रहा है, आज आपको बिजनेस से लाभ भी दिखाई दे रहा है, छोटे भाई बहनों का पूरा सहयोग मिल रहा है, परिवार में थोड़े से अनबन के योग बने हुए हैं, और साथ ही आज आपको चोट चपेट नहीं लगे इसका ध्यान रखें, शत्रु आपके अपने आप शांत हो रहे हैं। अब बात करते हैं आप कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, आज आपको आपके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान देना है, साथ ही आज आपको आप पुराने शत्रु भी परेशान कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे, किसी से कर्ज नहीं लेंगे, आज परिवार का आपको पूरा सहयोग मिल रहा है, भाग्य का साथ भी मिल रहा है, दिन आपके लिए उत्तम है, दिन का लाभ उठाएं। बात करते हैं हमारी अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बहुत सुंदर बना हुआ है, आज आपको आपके जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग मिल रहा है, यदि आप विवाह योग्य हैं तो आपके विवाह होने की तय होने के चांसेस भी बहुत सुंदर बने हुए हैं, आज रुके हुए काम भी आपके बन रहे हैं, यदि आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसके सुंदर योग बने हुए हैं, आज यात्राओं पे जाने का योग भी बना हुआ है, यात्राओं में थोड़ी सी सावधानी रखें, इस बात का ध्यान रखेंगे।